एक तो नो वायलेंस अभी पीछे हुई थी, तो उसकी प्रिपेयरनेस जो है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि उसको टैकल किया जाए प्रॉपरली। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि कुछ 5 यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज बनाएंगे RAF की तर्ज पे, और जो कि हमारे को एक हर जोन में एक होगी और एक हेडक्वार्टर में होंगी, जो कि नॉर्मल तो अपना ड्यूटी करेंगी लेकिन कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी तो दे विल असेंबल विद इन हाफ एन आवर एंड दे कैन एक्ट। तो दे विल बी ट्रेन लाइक RAF, उनकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, और प्रॉपर उनका जो फॉर्मेशन है जो एक कंपनी का होता है, कंपनी प्लेटून सेक्शन हाफ सेक्शन, उस हिसाब से दे विल वर्क एज अ कोहेसिव फोर्स। तो उसमें इट्स बेटर टू डील विद क्राउड मैनेजमेंट इफ़ यू हैव अ गुड कंपनी सिस्टम विद फुल गेयर। तो वो एक तो यहाँ पे नो वायलेंस को देखते हुए एक तो वो फैसला लिया गया है। गुड़गांव पीसफुल शहर रहा है हमेशा से और पीसफुल ही रहेगा, और जो छोटा मोटा ये हुआ था इंसिडेंट अब वो ओवर हो गया। बाकी मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये कोई धर्म वर्म का चक्कर नहीं है इसमें, ये बेसिकली शरारती तत्वों का जो काम हुआ है इसमें, पुलिस विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन। को पुलिस है कानून के अंदर, पुलिस किसी के अंदर नहीं है। कोई अगर छेड़छाड़ किसी के साथ हो तो उनको, क्योंकि महिलाएं मैं देखता हूँ कि बिल्कुल आने को तैयार नहीं होती, कंप्लेन देने को तैयार नहीं होती, तो इसलिए हमने अपनी ही लेडी कॉन्स्टेबल्स को इन सिविल ड्रेस तैयार किया है ताकि कोई भी ऐसी छेड़छाड़ की घटना हो तो इन मजनुओं के खिलाफ या बदमाशों के खिलाफ सही कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो उससे भय होना ज़रूरी है, और हमारा जो गुड़गांव पुलिस का मोटो है या हमारा जो पुलिस का मोटो है वो भी है भी यही कि परित्राणाय साधुम्नाय विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब हम वी आर वेरी गुड विद गुड पीपल बट वेरी वेरी